हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ, सभी को नमस्कार। तो हमारा जो चैप्टर चला था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें हम आगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे बोर इफेक्ट की बात की और भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा। तो आपको आज का इसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो राइट तरफ यदि करो ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन करो है, यदि राइट की तरफ मूव करता है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और यदि वो लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ये सभी चीज़, ये आपको जो है किन क्वेश्चनों के आंसर मुझे आपको मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। बताना पड़ेगा कि कैसे किस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है। आज हम बात करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, जैसे कि किस प्रकार से वो रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ पर है, कैसे वो, मतलब किस प्रकार से बनती है। तो हमने इसमें जैसे कि भाई हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब टिश्यू के पास गई आरबीसी के साथ जुड़ के, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, और फिर वो टिश्यू के पास जाने के बाद वहाँ पर उसका डिसोसिएशन हुआ, तो उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो डिसोसिएशन हुआ जब वो ऑक्सीजन का, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन से डिसोसिएशन और जो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन कैसे होगा उसका, कि एक तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब उसका प्रेशर वहाँ पर जैसे कि ज़्यादा हो, ठीक है, और ऑक्सीजन का कम हो, टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो ऑक्सीजन का कम हो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, ब्लड के पीएच को चेंज करेगी, ब्लड के पीएच को चेंज करेगी तो उससे वो एसिडिक हो जाएगा, और वो एक उससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होगी तो हीमोग्लोबिन से कहेगी भाई ठीक है अब हम चलते हैं, वो टिश्यू के पास चली जाएगी, क्योंकि टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो ये प्रेशर भी हमने देखा था उसमें, ठीक है। और अब ये जब ऑक्सीजन चली गई है वहाँ पर, तो अब ये बात मेन ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, भाई टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें जब ऑक्सीजन लेते हैं तो देखो सेल के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका काम होता है रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है, वो ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को लेता है और उसी के अंदर सारी प्रक्रिया चल रही होती है कि किस प्रकार उसके जो ग्लूकोज लिया है उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा सेल में एक ऑर्गेनल और होता है जो ऑक्सीजन का यूज करता है, तो वो ऑर्गेनल कौन सा होता है, वो ऑर्गेनल होता है पेरोक्सिसोम, वो क्या करता है ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये दो ही ऑर्गेन होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को लेने के बाद यूज करेगा उसका, और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसको उससे एनर्जी प्राप्त करेगा। अब कैसे एनर्जी प्राप्त करता है, देखो भाई हमने क्या, देखो ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है वो क्या किस में टूटेगा, पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुविक एसिड में, और ये कहाँ पर होगी ये प्रक्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा किसके मदद से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बनेंगे, ठीक है। फिर पाइरुवेट जो है जब उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब वो एंट्री करेगा, उसके अंदर एंट्री होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे जो है क्या क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी मिलेगी। अब ये ग्लूकोज के अंदर आई कहाँ से एनर्जी, एक्चुअल में क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ था, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि भाई जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लांट्स ने, कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो किस किस में कन्वर्ट हो गया,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में किसकी फॉर्म है, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म है। इसकी फॉर्म है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म है वो, ठीक है। और वहाँ पर जो रिएक्शन हुई है तो इसमें एक तरह से अब क्या होगा कि जैसे ये पाइरूवेट जो एसिड है, पाइरूवेट है जो, वो एंड अब ये किसकी, हमें पता चल गया भी केमिकल एनर्जी की फॉर्म है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो जो जब इसमें जब हम देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए, जब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन जब वो ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंट्री करेंगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बन मतलब एक चेन बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनसे एनर्जी मिलती रहेगी और उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ATP में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये सब प्रकार से कैसे होगा कि जैसे कि ये जो है पाइरूवेट जो है, फिर दोबारा सुन लें, पाइरूवेट जो है वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो देगा किसको, NADH और FADH। अब NADH और FADH क्या है, ये एक्चुअल में जैसे ATP होती है वैसे एनर्जी करेंसी होती है भाई, ठीक है। तो इनको देगा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन जाएंगे, NADH2 और FADH2 बन जाएंगे, और फिर इन्हीं से हम किस में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी को, ATP में, ठीक है। किस में करेंगे, ATP में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 ATP मॉलिक्यूल हमको एनर्जी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब उस दौरान क्या होता है, देखो हमने इलेक्ट्रॉन तो ले लिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के, अब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया कार्बन, पाइरूवेट में क्या बच गया, कार्बन। अब कार्बन कितने हैं इसमें, जैसे कि कार्बन है एक पाइरूवेट में कितने हैं, 3, तो 2 में कितने हैं, 6। तो कार्बन का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, तो कार्बन का कोई यूज नहीं है तो कार्बन को बोले भाई बाहर निकालो, इसको ऑक्सीजन को साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकालो। तो जैसे कि 2 मॉलिक्यूल हैं पाइरूवेट के, तो इसमें एक में कार्बन 3 है, तो 2 में हो गए 6, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रखी इसमें, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी इसमें। तो इस प्रकार से जो है एक तरह से ये जो है ये सिस्टम होगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, ठीक है, और वो क्या बनाएगी, कार्बनिक एसिड बनाएगी तो ब्लड का pH चेंज होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ब्लड का pH चेंज होगा तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं एसिडिक pH के, और जब वो हाईली सेंसिटिव होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन भी हाईली सेंसिटिव है, तो इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका pH चेंज कर सकते, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी पूरी तरह से ब्लड के अंदर अगर उसका pH चेंज हो गया। तो उसमें क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। और एक बात और सुन ले, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक उसमें रखेंगे तो वो एक टॉक्सिक नेचर की होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना ज़रूरी है, इसलिए हम उसके ब्लड के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। तो और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे और उसमें हम ऑक्सीजन भी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एनएरोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी बनती है, ठीक है। फर्मेंटेशन और इथेनॉल रिएक्शन हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें पता चल गया भी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बनी। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल मेटाबॉलिज्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल मेटाबॉलिज्म है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। अमाउंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो अमाउंट प्रोड्यूस हुई है वो रेट मेटाबॉलिज्म के रेट पर डिपेंड करती है, एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेट। अब ये किस पे डिपेंड करती है, देखो अमाउंट ये डिपेंड करती है कि हमने कौन सी डाइट में कौन सा मटेरियल लिया है, कौन सा हमने फूड लिया, किस प्रकार का फूड लिया है, और वो किस प्रकार वो मेटाबोलाइज्ड हुआ है, उससे जो अमाउंट निकली है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी है, ठीक है। जैसे कि एक होता है RQ रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट जो है वो उसका वो किसके इक्वल होता है कि कितनी हमने ऑक्सीजन को यूज किया और कितनी फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, वॉल्यूम जो है रिलीज हुई, डिवाइड बाई कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की यूज हुई, उस वो किसके इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। और ये वैल्यू जो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट होते हैं ये अलग अलग
अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमने जितने अमाउंट ऑक्सीजन की यूज़ की है और उतनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की हमने रिलीज की है। और फैट और प्रोटीन्स के लिए ये लेस देन 1 होती है, जैसे कि प्रोटीन के लिए ये जो 0.7 के करीब होती है और फैट के लिए जो है 0.8 या 0.9 के करीब होती है, तो 1 से लेस देन होती है। जो ऑर्गेनिक एसिड है उनको 1 से अधिक होती है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम CO2 रिलीज डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, ठीक है। अमाउंट इज अबाउट 200 to 220 ml पर मिनट व्हेन एट रेस्ट ईटिंग ए मिक्स डाइट। दिस यूटिलाइज 80% ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड गिविंग ए रेस्पिरेटरी क्वेसेंट ऑफ 0.8। अब देखो सुनो, अब जब हम डाइट लेते हैं तो हम उसमें ऐसे थोड़ी कि भाई बिल्कुल प्योरली कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, तो हम जो है मिक्स डाइट लेते हैं, उसमें प्रोटीन भी होती हैं, फैट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो जो मिक्स डाइट ली है उसमें हमने जो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे वो 80% ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 80% यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें जैसे मान लो हमने ली ऑक्सीजन 10 ली, ठीक है, और उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर दी वो कर दी 8, तो 0.8 आ गया। तो अब आप सोच रहे होगे सर 10 ली थी और 8 रिलीज कर दी, तो ये तो इक्वल नहीं हुई। अब ये इक्वल नहीं हुई तो दो है वो ऑक्सीजन कहाँ गई, भाई हमारे पास ऑक्सीजन 10 थी, 10 ऑक्सीजन ली हमने, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी छोड़ रहे हैं 8, तो रेस्पिरेटरी क्वांटिटी 0.8 आ गया, ठीक है। तो ये जो दो हैं वो कहाँ पर चली गई, तो दो जो है वो बेटा के वे चली गई आपके जो फैट और प्रोटीन है उनको, जब हम देखो उनके जो हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उनके लिए उनसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए जो दो एनर्जी हुआ वहाँ पर यूज हो गई, ठीक है। तो 200 से 220 ml हमने ऑक्सीजन ली है पर मिनट में, ठीक है, उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट जो है इक्वल टू रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन डिवाइड बाई रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। कितनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, कितनी ऑक्सीजन यूज की, तो उसे हमारे रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसका क्वेश्चेंट होता है 1। अब 1 क्यों कैसे आया इसका, देखो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल C6H12O6, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल 6 और ऑक्सीजन के कितने हैं 6, तो दोनों के सेम हैं, ठीक है, तो दोनों के सेम हैं, तो उस प्रकार से क्या होगा कि जितने हम ऑक्सीजन लेंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसलिए उसका क्वेश्चन कितना आता, 1 आता कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। जबकि जो फैट हैं और जो ये प्रोटीन्स होते हैं तो इसमें जो है कार्बन जो है, जैसे कि फैट की बात करें तो इसमें आपका जो है इसकी ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, ठीक है, और जो प्रोटीन है उसमें ऑक्सीजन की कम होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग आएगा। तो फैट कितना होता है 0.7 होता है। फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैन बी वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला बिलो, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से रेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन। RQ वैल्यू कैन टेल यू विच सब्सटेंस इज बीइंग यूज्ड एंड इट वाज रिस्पायर्ड अंडर एरोबिक और एरोबिक कंडीशन। जो RQ वैल्यू हमारी है वो क्या बताते हैं कि आपने कौन सा सब्सट्रेट रेस्पिरेशन में यूज किया है और वो किस प्रकार से रेस्पिरेट हुआ है, एरोबिक हुआ है या एनएरोबिक हुआ है। तो जैसे 1 आई तो हमें पता चल गया हमें हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, और 0.7 आया है तो फैट का पता चल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा भी कि कौन सा हमने, 1 से अधिक आया है तो हमें ऑर्गेनिक एसिड यूज़ किया है फूड में, ठीक है, और यदि एरोबिक कंडीशन में तो हमें पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू सही आएगी इसमें और ऑक्सीजन भी हमें पता चल जाएगी इतनी यूज होगी, ठीक है, बराबर। जैसे कार्बोहाइड्रेट का 1 आया है तो उसमें बराबर ही ऑक्सीजन यूज हुई है, बराबर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन आती है तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन का तो कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगी रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट। तो ये आपको नोट करना है, लिखना है, याद करना है, ठीक है, और डायग्राम अगर है तो डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी बेटा।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।